अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मना रहे हैं बड़े भाई का सालन। चलिए मनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपीज आपको मिलती रहा करें। दो बड़े पाए लिए हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है जिसमें ये पाए अच्छी तरह डिप हो सके। फिर हम इसमें आधा खाने का चमचा नमक डाल के रख देंगे। अब इसमें खदकी यानी उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसकी आँच हल्की करके इसे गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए पाए को तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और 90% गल चुके हैं। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और उसकी हड्डियाँ निकाल लेंगे। ज़्यादातर पाए 4 से 6 घंटे लेते हैं, ये वाले पाए 3 घंटे में गल गए थे। आप अपने पाए के हिसाब से टाइम देख लीजिएगा। ये देखिए हम इसकी हड्डी यूँ निकाल लेंगे, बाकी की भी सारी हड्डियाँ इसी तरह निकाल लेंगे। इस तरह पाए बनाने में आसानी होती है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके पाए भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और फिर इंशाल्लाह आप भी हमेशा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। सारी हड्डियाँ हमने निकाल ली, अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अब हमने सबसे पहले एक पतीली ले ली है और इसमें 1/3 कप तेल डालेंगे और तेल गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका टमाटरों के साथ पेस्ट बना लेंगे। अब एक ब्लेंडर लेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने लाइट गोल्डन फ्राई किए थे वो, और 2 दरमियाने साइज के कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ में 3 खाने के चम्मच पानी का डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। पेस्ट बन चुका है, अब हम मसाला भूनेंगे। जो हमने तेल पहले इस्तेमाल किया था प्याज फ्राई करने के लिए वही तेल लिया है। अब इसमें टमाटर प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है मसाला अच्छी तरह हमारा भुन चुका है। हम 10 लहसुन के जवे डालेंगे, आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लहसुन के जवे डालने को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि लहसुन के जवे डालने से इसका कच्चापन जल्दी चला जाता है। अब हम इसमें 1.5 खाने के चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 3/4 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब इसमें खदकी यानी उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी आँच हल्की करके इसे ढकना ढक के रख देंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और जो लहसुन के जवे थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम लहसुन को चमचे से मैश कर लेंगे। लहसुन के जवे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें पाए डाल देंगे। और अब 3 कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम पानी डालेंगे, पानी हमने इतना डालना है जिसमें ये पाए डिप हो जाएं। और आँच तेज़ करके ढकना ढक के रख देंगे और खदकी आने का इंतज़ार करेंगे।
ये देखिए, इस पे खटकी आना शुरू हो गई है। अब हम इसकी आंच हल्की करके इसे ढकना ढक के रख देंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए। अब 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे ढकना ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें, मज़ेदार पाए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे पाए की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमें बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।